भाजी गाना तो बड़ा अच्छा था, आपने जो गाने में मॉडल लेके वीडियो खराब किया है ना अपना। भाई ऐसी मॉडल ढूंढने से नहीं मिली हम, हमारे पास बेटर ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मलिष्का भी बिठाया। क्योंकि ये आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ खिल्ली उड़ाएंगे। मीत ब्रदर्स, पहले तो आपको एंटरटेनमेंट की रात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो शो देखा ही होगा, पसंद आया? बिल्कुल देखा, पसंद आया इसलिए तो आए। पैसे लिए आपने? ये ऐसा शो है भाई कि यहाँ हमें पैसे देने पड़ते तो भी हम आ जाते, इतना प्यारा शो। अच्छा भाइयों, मतलब एक दूसरे के भाइयों, यू नो दिस होल मीत ब्रदर्स, यार आपका नाम हरमीत मनमीत तो कोई बोलता ही नहीं है, और बोला भी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन कौन है। ये आपके साथ अभी भी होता है? ये होता है, होता रहेगा। हमने रखे इसलिए ताकि कंफ्यूज रहे, क्योंकि हम दिखते दो हैं पर हैं एक, दो जिस्म एक जान। बॉलीवुड दोनों एक साथ गाने बनाते हो, अवार्ड में एक ही ट्रॉफी मिलती। कभी भाई में लड़ाई हुई है कि ये आइडिया मेरा था, 15 दिन मैं पहले अपने पास रखूंगा ट्रॉफी, नहीं 15 दिन तू रखेगा, नहीं यार ये तुझे भी पता है कि काम सारा मैंने किया था, मेरे पास ही रहने दे। चिट्ठियां कलाइयां में 10 अवार्ड मिले थे, 5 ही ले गया, 5 में हर चीज आपस में भाई गुरु जी अपने आप कर देते हैं। जय और वीरू की जोड़ी है यार, उसमें मिल बांट की जो है सब कुछ, सिर्फ बसंती को अलग रखते हैं, बाकी सब शेयर कर देते हैं। यार ये सीट खाली क्यों है तीसरी? मैंने इसके लिए इनकी इंट्रोडक्शन, मैं रट के आया हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। ये उस सीट में सिर्फ वो बैठेंगी जिनकी खूबसूरती के आगे अप्सराएं भी बेबस हैं। किसी को समझ में ना आया ये ऐसा सिलेबस है जिसके सामने लड़के बेच दे अपना इकलौता भैंसों का तबेला। प्लीज वेलकम उर्वशी रोहते। टेंशन मत लो, क्या बात है, मतलब चिट्टियां कलाइयां और बेबी डॉल सोने थी एक ही पैकेज में आ गई आज, जोरदार तालियां हो जाए। उर्वशी मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। जी हाँ। मेरे सामने बैठा है मेरा चेला, वाह 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 वाह, खाता है ये केला, भाई है इसका सोतेला, आई लव यू उर्वशी रोतेला। क्या बात है? आई लव यू टू। आप धार्मिक नगरी हरिद्वार में पैदा हुई? जी हाँ। पर आपको देख के फीलिंग धार्मिक नहीं आती, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वो तो सारे लड़के लोग ही बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। जब से मेरे साथ बैठी है मैं सिर्फ राम 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 कर रहा हूँ। हमारे घर वालों ने बोला था कि बेटा अंत में सबको हरिद्वार ही जाना होता है, हमें पता नहीं था आप वहां से, वरना हम पहले पहुंच जाते हैं। बट उर्वशी मैं तुम्हारे बाकी अचीवमेंट्स की बात करना चाहूंगी। एक तो आप हैं वन ऑफ द ओनली इंडियन वुमेन जिन्होंने पेजेंट में सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते, तालियां। बट बियॉन्ड ब्यूटी ये नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन भी हैं। उर्वशी एक रूमर सुना था ये हॉलीवुड की पिक्चर में आने वाली थी, क्या वो सत्य था? जी हाँ, उसमें एक्चुअली दो अलग अलग फिल्में थी, एक में एक अप्सरा का ही रोल था, तो द मेकर्स वर सर्चिंग फॉर साउथ एशियन काइंड ऑफ अ गर्ल, क्योंकि अप्सरा का कैरेक्टर था, और दूसरा एक एक्शन था क्योंकि मैं एक्शन भी करती हूँ, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो एंड काफी और भी चीजें करती हूँ। आज शो के एंड तक एक दो मूव्स आप बलराज पर दिखा दोगी, प्रॉमिस, मुझे सारा दिन देखते बैठ, इसीलिए तो खराब जाता है। अच्छा पाजी, आप यू नो ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो जोड़ियों में क्यों काम करते हैं? मुझे डर लगता है हर आदमी स्टूडियो में। आज का सबसे महंगा सवाल 2000 रुपए का। मीत ब्रदर्स, ये इंस्पिरेशन बहुत कुछ सुना है हमने, बकवास होता है, तुमने धुने चुराई है? धुने चुराई मतलब चुराई है कि नहीं? एक सेकेंड, जस्ट कट इट यार, भाई क्या पॉसिबल। भाई ऐसा है कि मस्ती वस्ती ठीक है, लेकिन दिस इज गेटिंग टू मच, बिकॉज वी स्पोक टू निकुन, गाइस कैन यू जस्ट कट इट ऑफ, वी स्पोक टू निकुन एंड ही सेड कि कोई ऐसी उल्टी सीधी स्टूपिड बात नहीं होगी। ही सेड कोई रोस्ट नहीं है तो ये फालतू, स्टूपिड नहीं, स्टूपिड क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप पूछ, नहीं आप पूछ रहे हो, आप काम करो ना, आप यू हैव अ सेल ना, आप गूगल करो, आप जरा बताओ कौन सी एक भी हमारी जो हमारे 25-30 जो हिट गाने हैं, एक भी धुन आप बताओ किस गाने से मिलती है, आप बताओ। नहीं हम क्यों बताएंगे, आप आपने सवाल किया तो आप मुझे बताओ। 2000 गल्ला नहीं होंगे, तू मैंने मैसेज भी किया सीखा की बकवास है। You guys can carry on with the show. We'll quit. I love it. आप research कर लो। बहुत सही जवाब दिया। But एक यही सवाल एक बार मेरे से पूछ ले। ये आप ये बोल सकते थे या आप ऐसे जवाब दे सकते थे? बोलना। पूछ। तुमने कभी धुने चुराई हैं? नहीं। नहीं इतना एक सेकंड। बात। What is the point? अगर आप मस्ती करने आए हो शो पे तो it has to be fun ना? ये क्या सवाल है? Because it's not that roadies kind of a show, bro. So.
कुछ लोग टेंशन में आ गए, उनको बता दो आप क्या कर रहे थे। भाई ऐसा है, हमें तो पहले बोला गया था पूछा जाएगा, नकली नाराज होना। तो अब है कि ईश्वर भगवान अपने माँ बाप बच्चों की कसम खा के हमने जिंदगी में कभी कोई धुन नहीं चुराई। क्या बात है। राजी, आपने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत की, फिर सिंगिंग करी, म्यूजिक कंपोजर बन गए, तो ये एक्टिंग का कीड़ा अभी जिंदा है कि मर गया? और भी तीन काम किए तो पता नहीं है, दारू बेची है, हॉट डॉग बेचे है और रेस्टोरेंट चलाया, ये पता नहीं होगा तुम्हें। वाओ, ये अच्छे से किया होगा ना आपने? ये अच्छे से नहीं किया तभी तो म्यूजिक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहानी हमें सुनाइए क्योंकि पहले ये बताओ एक्टिंग का कीड़ा मर गया कि जिंदा है? एक फिल्म की थी मैंने पंजाबी, मैं तू असी तुसी, और जब वो फिल्म मैंने देखी तो मर गया कीड़ा उसका। ए भाई हेलो, नेशनल टीवी पर बोल रहा है भाई, तेरा मर गया होगा, मेरा करियर को खत्म कर रहा है, मेरा तो अभी जाग रहा है। नहीं, 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 देखा हमने। इसका नहीं मरा क्योंकि इसने अभी तक फिल्म करके देखी नहीं अपनी, इसलिए। तो उर्वशी, आप बचपन में बनना कुछ और चाहती थी और बन गई? हाँ जी, बचपन में पहले मुझे जिमनास्ट बनना था, इंजीनियर बनना था, कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट बनना था, कई सारे मेरे ड्रीम्स हमेशा शिफ्ट होते रहते थे। सबसे पहले स्कोर्स अच्छे लेकर आने थे, तो मैं जो मैं लेकर के आई 95%, आई वाज पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस। सॉरी सॉरी, कितने थे? 95% आए? हाँ जी हाँ जी, 95% में मेरे फैमिली के चार भाई पास हो जाते हैं, पता है। बट एक सपना था जो हमेशा से था, मिस यूनिवर्स इंडिया बनने का सपना, थैंक्स गॉड कि भगवान की वजह से मैंने एक बार नहीं सिर्फ दो बार जीता वो टाइटल, तो अनबिल थैंक्स। जज ने भी बोला होगा ना, जितनी आप सुंदर है अगले 5 साल का भी आप ही रख लो। अब इस 3 चांद के गद्दे पर हम एक चौथे सितारे को लेकर आना चाहेंगे। अभी जो यहाँ पर आने वाली हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरोइन सब सिंगरों की माई बाप, प्लीज वेलकम दिव्या खोसला कुमार। इनके दफ्तर में भी ऐसे मालिक की सीट अलग होती, काम मांगने वालों की अलग होती। एक जेन्युइन सा सवाल था आपसे कि टी सीरीज के बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं हमको जब भी हम गाने चलाते हैं, आज आप आइए थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? आज फ्री है भाई, चला ले, आज फ्री है ना पक्का? जी जी जी, 100%। बंदे ने कमा के जिसको देने हैं वो खुद ही यहाँ पे आई हुई है। दिव्या, आप हमारे हर शो में आया करो, एक तो आप इतनी भला की खूबसूरत हैं। नहीं, आई थिंक होस्ट कर लेती हूँ, आपकी जगह ले लेती हूँ। काम देना दे, हमने उनको दे दिया है। बट वहां पर बैठे बैठे भी आप हमें चीजें बता सकती हैं, बुलबुल के बारे में बताइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शॉर्ट फिल्म बुलबुल जिसमें दिव्या खोसला कुमार अमेजिंग लग रही हैं। सो बुलबुल शॉर्ट फिल्म है एंड इट्स आउट ऑन यूट्यूब, और मीट ब्रदर्स ने गाना भी दिया है उसमें। Correct. और बहुत सालों बाद एक्चुअली मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैंने गाना किया था कभी यादों में आओ, विच रिलीज्ड इन जनवरी, विच कॉस्ट लाइक ऑलमोस्ट 50 million ऑन यूट्यूब, तो बहुत प्यार मिला Wow. दर्शकों का, सो इट एनकरेज्ड मी टू एक्ट मोर। मैं आप डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रियली सॉरी मैम, पता क्या बिल्कुल सामने बर्दाश्त नहीं हो रही, रियली सॉरी मैम, रियली सॉरी। कॉमेडी फिल्म एंड कुंदन शाह जी ने लिखी है एंड इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क, यू नो। या एंड आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने निभाए हैं पिक्चर में, एक सरदार का कैरेक्टर है, एक प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है। अलिष्का, इतने एपिसोड हो गए, तेरे फंबल तो ठीक हुए नहीं लेकिन बाल बड़े अच्छे हो गए, पता है? हाँ, वो मैं डाबर आमला हेयर ऑयल यूज करती हूँ ना। ओह माय गॉड, डाबर आमला करना भी चाहिए तुमको, क्योंकि जैसी तुम्हारी परफॉर्मेंस है तो हमें मजबूत बालों की सख्त जरूरत है, ताकि वो कितना भी नोचे बाहर ना निकले। एक दिन चोटी घुमा के मारूंगी। क्योंकि डाबर आमला से हुए हैं मेरे बाल दोगुना मजबूत। ओह माय गॉड, डाबर आमला हेयर ऑयल जिंदाबाद। अब हमारे पास एक गेम है, हमारे पास दो ब्यूटीफुल लेडीज भी हैं, तो गेम भी वैसा ही एकदम उम्दा टाइप का, सुनना चाहेंगी आप दोनों? मुझे ऑलरेडी मालूम है जी, मैं आपका एपिसोड देखती हूँ। क्योंकि आप ये गेम जानती हैं, आप अपने टीम का मेंबर चुन सकती हैं। किन को चुनेंगी आप? याद रखिए, अगर आपने जवाब गलत दिया टच एंड टेल में, तो उसके सस्पेंडर्स खींचे जाएंगे और वो हो जाएगा आओ। मैं तो ऑलरेडी इंजर्ड हूँ मेरी। ओके, क्योंकि बलराज बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए रघु। भाई साहब कौन है आप? दिखाई नहीं देता, मैं अमीर हूँ। अमीर? अमीर आदमी तो नाम क्या तुम्हारा? अमीरों के अपने नाम नहीं होते, उनके कंपनीज के नाम होते। पकड़ो, ये तुम्हारे लिए। मैं तो रख लूंगी, शो के पैसे नहीं मिलते। इतना पैसा है मेरे पास,
कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ मैं। अया कौन सी? पूरी बात तो सुन लो, तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ कि ना ही बनाओ तो ही अच्छा है। वैसे मैं सोच रहा था अपनी बेटी की शादी में एक जबरदस्त सिंगर को बुलाऊंगा, और क्या किस्मत, मीत ब्रोस मिल गए। हेलो हेलो मीत ब्रोस, बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपके पास ए आर रहमान का नंबर है? वैसे ये लो मीत ब्रोस, एडवांस रखो। अरे क्या बात है सर, थैंक यू। अबे पहले पूछ तो ले डेट खाली है कि नहीं है। जब जेब भरी होती है ना तब डेट अपने आप खाली हो जाती है। क्या बात। वैसे उर्वशी तुम भी आओगी शादी पे, तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि परफॉर्मेंस के बाद 5 करोड़ वो मेरे हो जाएंगे। बात बता, अगर इतना ही पैसा है तुम्हारे पास तो यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट। भाई टाइम इज मनी, तभी तो वेस्ट कर रहा हूँ। ये लो पैसा और अपनी बूढ़ी माँ की इलाज करवा लो। देखो ये पैसे आप रखो, मेरी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो शराब भी बाप को दे दे। मेरा बाप शराब नहीं पीता भाई, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे रख। अबे जब कोई मजबूरी नहीं है तो बिना टैलेंट के शो में कैसे आ गया? जाता के सच में मारू? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ लेकिन एक बात याद आई, तुम्हें लगता है ना बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, ये पैसे रखो, दिमाग का इलाज करवाना। आई लव इट। तब से देखा भाई ऐसी वाली मस्ती कभी नहीं करनी। उर्वशी जाहिर सी बात है बहुत फिट हैं, सो आज आप हमें अपना ब्यूटी ईटिंग डाइट का रेजिम बता ही दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से एक एथलीट रही हूँ, मैंने कई सारे गेम्स खेले हैं, बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, लॉन्ग जम्प, शॉर्ट जम्प, ट्रिपल जम्प। दिलों से वो गेम नहीं होता है, मैं आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। तो आई थिंक वो जो क्या लगता है कि सिर्फ दिलों से इंडोर खेला जाता है, कभी बैंडस्टैंड नहीं गए आप? आई थिंक वो स्पोर्ट्स कनेक्शन है तो उस कारण, और प्लस आई डू 10 डिफरेंट डांस फॉर्म्स तो उस वजह से। 10 टाइप्स के, इसमें से 2-4 तो दिखवा दो। उर्वशी देखने को तो जनता 10 के 10 देखना चाहेंगी, मगर हम कोई 5 डांस फॉर्म्स देख लें उर्वशी। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी बिग म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर करता हूं बड़े बड़े में। माय नेम इज लिफ्टी। लिफ्टी ठीक है, वो हॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो होते हैं ना, वो मैं डायरेक्ट नहीं करता, वहां से लिफ्ट करके यहाँ चेप देता हूँ। दिव्या जी, माई सेल्फ रवि दुबे एंड माई प्रोफाइल सर। नहीं आप इसको एक्ट समझो ही मत, आप एक्ट मत समझो, इसे ऑडिशन समझो आप मेरा। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं जितने भी यहाँ पे गाने होते हैं ना बल्ली, वो सारे राइट्स इनके पास है, टी सीरीज के पास है, एक गाना हम नहीं बजा पाते। यहाँ डॉन की एंट्री करनी होती ना, बाबुल की दुआएं लेती जा पे एंट्री करते। मैं सच्ची बताऊं दिव्या जी, राइट्स वाला तो ऐसा आलम है ना, मैं सेट से निकलता हूं ना, मेरा घर राइट साइड पे, मैं लेफ्ट लेके लंबा रास्ता लेके जाता हूं क्योंकि राइट आपके पास है। अरे बाप रे। अच्छा वैसे आज हमारे सेट पे म्यूट ब्रदर्स आए हैं, हर म्यूट और मन म्यूट, जोरदार तालियां हो जाए। मीत ब्रदर्स, म्यूट ब्रदर्स नहीं। हाँ मेरे को मालूम है मीत ब्रदर्स है, लेकिन आज म्यूट है। पूछ क्यों? क्योंकि इनके सारे गानों की राइट्स भी वहां है। अब बात करते हैं उस लड़की की जो इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने दम पे आगे बढ़ी है, उसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, और उर्वशी राउतेला। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा अब बल्ली हाथ होगा कैसे, लड़की इतनी लंबी है किसी के बाप का हाथ पहुंचेगा वहां तक?